रंग चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसी एक रंग में घर की सारी चीजें रंगी हो तो आंखों को खलता है। हमारी आंखों को आदत है अनेक रंगों को देखने की और दिल भी चाहता है कि उसे दुनिया के सारे रंग देखने को मिले। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो हम अपने आप को मोनोक्रोम यानी एक रंग को देखने के आदि पाते हैं। अजीब सी बात है कि एक तरफ हम रंगीन नज़ारे देखते नहीं थकते तो वहीं दूसरी तरफ हमें अक्सर इंसानों का एक खास रंग या रूप सुहाता है। दुनिया रंगीन है, देखने का नज़रिया बदलिए, बहुत खूबसूरत है ये सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। S-400 मिसाइल्स को लेकर भारत और रूस के बीच $5 अरब का समझौता, भारत के रेल, परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी सहयोग देगा रूस। लंबे समय तक चले असमंजस के बाद आखिरकार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुआ व्यापार समझौता, कनाडा अमेरिका की कंपनियों के लिए खोलेगा अपना डेयरी बाजार। और ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में अनिश्चितता का माहौल, थेरेसा मे ने अपने प्लान में जताया विश्वास, उनके विरोधियों और विपक्ष ने कहा चेकर्स डील है देश के साथ विश्वासघात। भारत और रूस के बीच बहुप्रतीक्षित S-400 मिसाइल सिस्टम से संबंधित समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली में 3 दौर की बातचीत के बाद शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर हुए। $5 अरब से ज्यादा का ये करार भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। दोनों देशों के बीच इसके अतिरिक्त कई अन्य अहम समझौते भी संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता के बाद जारी साझा बयान में दोनों नेताओं ने S-400 मिसाइल सिस्टम से संबंधित समझौते के संपन्न होने पर खुशी जाहिर की। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के इरादे जाहिर किए। 19 शिखर सम्मेलनों की निरंतर श्रृंखला से हमारी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लगातार नई ऊर्जा और दिशा मिली है और वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को नए मायने एवं मकसद भी मिले हैं। भारत और रूस के बीच 19वें शिखर सम्मेलन के बाद 8 अन्य समझौते भी हुए। रूस भारत के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद करेगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नए एक्शन प्लान की घोषणा भी की गई। इसके तहत रूस की मदद से भारत में 6 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके तहत दोनों देश भारत के देशों में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। भारत में परमाणु रिएक्टर के कुछ कलपुर्जे मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। According to the agreements that we possess, based on Russian high-tech technologies, we plan to build 12. रूस की उच्च तकनीक की मदद से अगले 2 दशकों में भारत में 12 नए परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। हम दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएंगे। Culture, medicine, pharmaceuticals, and biochemical technologies. दोनों देशों के बीच लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते भी संपन्न हुए। इसके अलावा अंतरिक्ष में सहयोग से संबंधित समझौते के तहत रूस के सहयोग से भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारा अंतरिक्ष में अगला लक्ष्य भारत के गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मिशन में रूस के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता में क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आपसी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने दुनिया की वर्तमान स्थिति में संयुक्त रणनीति बनाकर काम करने का निर्णय लिया और एक बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना की बात कही। भारत और रूस तेजी से बदलते हुए विश्व में मल्टी पोलैरिटी
और मल्टीलेटरलिज्म को सुदृढ़ करने पर एकमत है। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग और समन्वय को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बिजनेस समिट में भी हिस्सा लिया। इसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक जगत की हस्तियों की उपस्थिति में संयुक्त व्यापार को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्यापारियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। सरकार यह भी मानती है कि इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना है और निश्चित तौर पर इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम आपको भारत में बन रही विशाल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोनों देशों के बीच ये 19वीं शिखर वार्ता थी। इसके पहले मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोची में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अनौपचारिक चर्चा की थी। इस 400 डील पर साइन करके भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत की विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति किसी दबाव के सामने झुकने वाले या उससे प्रभावित होने वाली नहीं है। इस 400 डील ने यह साबित किया है कि भारत और रूस के संबंध एक दूसरे की जरूरतों के मुताबिक हैं और दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। एक साल से ज्यादा चली खींचतान के बाद आखिरकार कनाडा और अमेरिका मुक्त व्यापार को लेकर नए समझौते पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते में मेक्सिको भी शामिल है। करीब 25 साल पुराने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते यानी नाफ्टा की जगह सुधार किया गया नया समझौता यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा संधि के नाम से जाना जाएगा। तीनों देश नवंबर के आखिर में इस समझौते पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। हाल के दिनों में जिस तरह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच नाफ्टा को लेकर तनातनी चल रही थी, उससे ये आशंकाएं गहरा गई थीं कि इन तीनों देशों के बीच पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा नाफ्टा समझौता संकट में है। लेकिन एक बरस से ज्यादा चली रस्साकशी के बाद डेडलाइन खत्म होने के आखिरी मिनटों में आखिरकार नाफ्टा के नए स्वरूप पर सहमति बन गई है। नया समझौता यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा संधि यानी USMCA पुराने नाफ्टा यानी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संधि की जगह लेगा। नाफ्टा को लेकर सबसे ज्यादा विरोध के सुर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ही सुनाई देते रहे हैं। वो इसे त्रासदी बताते हुए रद्द तक करने की चेतावनी कई बार दे चुके थे, लेकिन आखिरकार नई संधि पर उन्होंने भी अपनी रजामंदी जता दी है। हमने निष्पक्षता और पारस्परिक हितों के सिद्धांत के आधार पर इस नए समझौते पर बातचीत की है। दुनिया के कई देश हमारे साथ गलत व्यापार नीति अपना रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये नया समझौता काफी अहमियत रखता है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ट्रंप और ट्रूडो के बीच मनमुटाव बढ़ने से इस समझौते पर खतरे की तलवार लटक रही थी। अगस्त में नाफ्टा पर सहमति बनाने को लेकर तीनों देशों के बीच मंथन चला था। अमेरिका और मेक्सिको के बीच तो अगस्त महीने में ही नए समझौते पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन कनाडा इससे बाहर था। पिछले 6 हफ्तों से जारी गहन विमर्श के बाद अमेरिका और कनाडा की सरकारें मतभेद दूर कर पाई हैं। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी नए समझौते की सराहना कर रहे हैं। What I can say is that free and fair trade in North America, a trading zone that accounts for more than a quarter of the world's economy. मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तरी अमेरिका में फ्री और फेयर ट्रेड काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ का व्यापार दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/4 से भी ज्यादा है। नए समझौते के बाद अब हम ज्यादा स्थिर हालात में हैं। कल के मुकाबले स्थितियाँ सुधरी हैं। जब नाफ्टा का नया समझौता अमल में आएगा तो ये 21वीं सदी के मुताबिक ज्यादा आधुनिक होगा। NAFTA will be preserved, updated, modernized and stabilized for the 21st century, as we set out to do. नए समझौते के तहत अपेक्षाकृत ज्यादा मुक्त बाजार मिलेगा और ज्यादा ईमानदार व्यापार हो सकेगा। समझौते के अनुसार कनाडा अपना डेयरी बाजार अमेरिका के उत्पादकों के लिए खोलेगा, जबकि अमेरिका ने ओटावा प्रांत की विवाद निपटान के प्रावधान संबंधी मांगों को छोड़ दिया है, जिसके बाद अब 1 दिसंबर को मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो का कार्यकाल समाप्त होने से पहले
सभी पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। मेक्सिको ने भी इस समझौते को अपने देश के लिए फायदेमंद बताया है। Entre otros beneficios, el nuevo acuerdo. नया समझौता श्रम और पर्यावरण के क्षेत्र में ज्यादा जिम्मेदार व्यापार को बढ़ावा देता है। ये तीनों देशों के श्रमिकों के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराएगा, साथ ही ज्यादा नौकरियां और बेहतर वेतन का रास्ता खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और निवेश को लेकर स्थिरता आएगी और बिजनेस में ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो सकेगा। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ नाफ्टा व्यापार समझौता पूरी दुनिया के सबसे बड़े और मुक्त व्यापार समझौतों में से एक माना जाता है। इस समझौते के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया गया। ये समझौता 1994 से प्रभाव में आया, जिसके तहत ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार को लेकर काफी सुगम नियम बनाए गए। इस कारण से इस व्यापार समझौते को अमेरिका के साथ कनाडा और मेक्सिको के लिए बहुत अहम माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराक में मई में हुए आम चुनाव से जारी सियासी अस्थिरता का दौर खत्म हो गया है। कुर्द नेता बरहम साले इराक के राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 20 उम्मीदवार खड़े थे। बरहम साली को 273 में से 220 सांसदों का समर्थन मिला। 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद इराक में ऐसी सियासी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति या दल सत्ता में हावी या तानाशाह की तरह शासन ना कर सके। पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार से परेशान जनता में नई सरकार के गठन के बाद नई उम्मीद भी जगी है। लंबे समय से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद बरहम साहली इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए। कुर्द नेता बरहम साहली 58 साल के हैं और इराक के 8वें राष्ट्रपति हैं। पेट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के उम्मीदवार साली ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फवाद हुसैन को हराया। देश के सांसदों ने उनको दूसरे उम्मीदवारों पर तरजीह देकर वोट दिया। फवाद को सिर्फ 22 वोट मिले, वहीं बरहम को 219। ऐसे में कहा जा सकता है कि बरहम को सभी का समर्थन मिला। हालांकि वोटिंग के बाद विवाद होने पर मतगणना फिर करानी पड़ी थी। शपथ ग्रहण में साली ने कहा कि इराक की अखंडता और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। اتعهد ان اكون رئيسا للكل मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी एक दल के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। मैं हर एक के लिए काम करूंगा और इराक के सर्वसम्मत संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। वैसे किसी कुर्द नेता का इराक के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर किसी को हैरानी नहीं है। दरअसल साल 2003 में अमेरिकी हमले के बाद हुए एक अनौपचारिक समझौते के बाद से इराक में राष्ट्रपति हमेशा कुर्द बनता है। प्रधानमंत्री का पद शिया मुसलमान और संसद का स्पीकर सुन्नी बनता है। लगभग 15 साल से ऐसा ही देखने को मिलता आ रहा है। साले के राष्ट्रपति बनने के बाद देश में अगली सरकार बनने का रास्ता भी खुल गया। बिना देरी किए साली ने शिया नेता अब्देल अब्दुल मेहदी को प्रधानमंत्री नामित किया है और उन्हें नई सरकार के गठन का जिम्मा सौंपा है। प्रधानमंत्री बनाए गए अब्दुल मेहदी का संबंध किसी पार्टी से नहीं है और वो मई में चुनाव के बाद संसद पहुंचे शिया नेतृत्व वाले दोनों ही धड़ों से समान दूरी वाले माने जाते हैं। एक धड़ा निवर्तमान प्रधानमंत्री हैदर अली अबादी के नेतृत्व वाला है, जबकि दूसरे धड़े में मिलिशिया भी शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति सालेह ने दोनों धड़ों को दरकिनार कर अब्दुल मेहदी को प्रधानमंत्री चुना। इराक में मई में हुए चुनाव परिणामों ने लोगों की निराशा जाहिर कर दी थी। सद्दाम हुसैन के शासन के अंत के बाद से इस बार चुनाव में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि नई सत्ता लोगों में नई उम्मीदें भी लेकर आई है, लेकिन पड़ोसी ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका के बीच बगदाद पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मुकाबला जारी है। अमेरिका ने ईरान को चेताया भी है कि अगर इराक में कोई हमला हुआ तो वो सीधे तौर पर तेहरान को इसके लिए जिम्मेदार मानेगा। इराक में मौजूद अमेरिकी के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है। बसरा में अमेरिकी मिशन और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमलों के लिए ईरान ही जिम्मेदार है। हमने ईरान की सरकार को चेतावनी दी है कि अमेरिकियों या फिर राजनयिक सुविधाओं को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो हम सीधे तौर पर उसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानेंगे।
इराक में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती आईएस से मुकाबले को लेकर है, जिसने देश को अरबों का नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में लोगों ने अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और मुख्य रूप से तेल पर निर्भर इराक की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया है। इसके अलावा साहली को बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाओं में कमी और पिछली हैदर अली आबादी की सरकार में जारी भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के गुस्से को भी खत्म करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए दुनिया रंग बिरंगी। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 और रविवार शाम 4:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन के पास वक्त कम है और अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे पर दबाव है कि वो ईयू के साथ एक ऐसा सम्मानजनक समझौता करें जिससे ब्रिटेन वासियों को अपने ब्रेग्जिट फैसले पर अफसोस ना करना पड़े। लेकिन थेरेसा मे को अपनी ही पार्टी से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। थेरेसा मे जिस अंदाज में अपनी पार्टी के सालाना सम्मेलन में स्टेज पर पहुंची, सबको उनका आत्मविश्वास देखकर ताज्जुब जरूर हुआ। उन्होंने अपने भाषण में इसी आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी किया और कहा कि वो ब्रेक्जिट को किसी न किसी तरह एक गुड डील में जरूर बदलेंगी। एक अच्छी डील मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डील किसी भी कीमत पर हो। अगर नौबत आती है तो ब्रिटेन बिना किसी डील के भी ईयू से बाहर आने के लिए तैयार है। हम जनमत संग्रह के नतीजों को बेकार नहीं जाने देंगे। इस पूरे भाषण में उन्होंने चेकर्स डील का नाम तक नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने प्रस्तावों को मात्र डील कहकर संबोधित किया। वैसे चेकर्स डील के तहत ब्रिटेन को आजादी होगी कि वो दुनिया के किसी भी देश के साथ कारोबारी समझौता कर सके। ब्रिटेन और ईयू के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों का मुक्त व्यापार होगा, जिसके लिए समान नियम होंगे। ब्रिटेन समान कृषि और मछली पालन नीति से अलग हो जाएगा और ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड या आयरलैंड के बीच कोई ठोस सीमा नहीं होगी। हमारा प्रस्ताव हमारी सीमाओं, कानूनों और धन पर नियंत्रण वापस लेना है। ये नौकरियों और संघ के लिए अच्छा है। ये ब्रिटेन के लोगों का विश्वास बनाए रखेगा और ये राष्ट्रीय हित में है। थेरेसा मे भले ही आत्मविश्वास से लबरेज दिखी, लेकिन उनके लिए चुनौतियां पहले से ही तैयार थीं। उनके पूर्व विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने चेकर्स डील को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इसके बाद ब्रिटेन पूरी तरह से बंध जाएगा और डील में सुधार करने, बदलाव करने और विरोध करने का अधिकार खो देगा। ऐसा देश के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने चेकर्स डील को देश के साथ धोखा बताया। If we cheat the electorate, and checkers is a cheat, we will escalate that sense of mistrust.
अगर हम लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे तो वो हम में भरोसा खो देंगे। हम उन लोगों की बात को आधार देंगे जो हमें विश्वासघाती बता रहे हैं। चेकर्स डील से हमारे विरोधियों को ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी ब्रिटेन के प्रस्तावों को लेकर खुश नहीं है। उसे लगता है कि ब्रिटेन ऐसी शर्तें रख रहा है जैसे ब्रेक्जिट ब्रिटेन का नहीं बल्कि ईयू का फैसला हो। ईयू ने ब्रिटेन के रवैये को साफ नकार दिया है। If somebody says, I want to leave your house, अगर कोई कहता है मैं आपका घर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं चाबी ले जाऊंगा और जब भी मन होगा आऊंगा और इस घर से जो भी मुझे पसंद होगा मैं ले जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। हमें ये मानना होगा कि ब्रिटेन ईयू से बाहर आने की इच्छा जाहिर कर चुका है। अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि बातचीत एक अच्छे भरोसे के साथ हो, ये इस तरह हो जिससे यूरोपीय संघ की अखंडता बनी रहे और ब्रिटेन के लोगों की इच्छा का भी सम्मान हो। Of the British people as it stands. ब्रिटेन में भी अब ब्रेक्जिट को लेकर उत्साह नहीं है। विपक्ष सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो ब्रेक्जिट विचार को ही त्यागने को कह रहा है। जहां तक थेरेसा मे का सवाल है, उन पर भी प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव है। पार्टी के अंदर ही बोरिस जॉनसन का कद बढ़ रहा है। राजनीतिक पंडित उन्हें मे के विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो थेरेसा मे की राह आसान नहीं है। अगर वो इसी तरह डांस करते हुए ब्रेक्जिट की राह को पार कर जाएं, तो राजनीतिक जीवन की ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। वो डांसिंग क्वीन तो नहीं, लेकिन क्वीन ऑफ पॉलिटिक्स जरूर कहलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया में पिछले शुक्रवार यानी 28 सितंबर को आए भूकंप और सुनामी के बाद यहां के शहर पालू को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब तक करीब 1400 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। राहत कार्य में लगी एजेंसियों का मानना है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि 28 सितंबर को भूकंप और सुनामी ने इंडोनेशिया के सुलावेसी शहर के पास बसे पालू को किस तरह उजाड़ कर रख दिया। दुकानें, घर और होटल्स सभी जमींदोज हो गए और उनके नीचे हजारों जिंदगियां दफन हो गईं। वो खौफनाक मंजर अब शायद ही पालू के निवासियों के जहन से कभी निकल पाएगा। भूकंप आने पर मैं बहुत डर गई, मेरा बच्चा रो रहा था। मैं उसे चुप करा रही थी, तभी पहला झटका आया और मेरा बच्चा सिर के बल गिर गया। दूसरा झटका और भी तेज था। लोग पानी बढ़ने के बारे में चिल्लाने लगे तो मैं वहां से बच्चे को लेकर भागी। जो इस हादसे में बच गए उनकी एक अलग जंग है, अपनों को खोजने की। इस जंग में वो हारते नजर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी पत्नी जिंदा हो, शायद ईश्वर कोई चमत्कार कर दे। मुझे उम्मीद है कि लोग उसे ढूंढ लेंगे, वो गर्भवती भी है। वो दफन हो गया, वो 3 मंजिला इमारत के बाहर थे। मेरे पिता और वो दूसरी मंजिल तक गए, लेकिन वो सीढ़ियों में फंस गया था। अब राहत कार्य शुरू हो चुका है। इंडोनेशिया की सेना, रेड क्रॉस और दूसरी एजेंसियां मलबा हटाने और घायलों तक इलाज पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन ये काम भी आसान नहीं है। विध्वंस इतना बुरा है कि टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ज्यादा संभावना इसकी है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। हमने बचाव दल के साथ मिलकर 8 शवों को खोज निकाला है, लेकिन सही उपकरण ना होने की वजह से हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम भूकंप से प्रभावित इस गांव में रेड क्रॉस की फील्ड क्लिनिक में काम कर रहे हैं।
यहाँ पीड़ित लोगों को रेड क्रॉस से मदद मिल रही है। हम फिलहाल बुनियादी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। Or wounds due to the earthquake, but also mothers with children with diarrhea, for example. So this is the basic healthcare we're providing right now. इस संकट की घड़ी में भारत सहित कई और देशों ने इंडोनेशिया की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया है। सहायता राशि पहुंच भी रही है, लेकिन फिर भी लोगों को पीने के पानी और भोजन की कमी का अब भी सामना करना पड़ रहा है। भोजन की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि यहाँ हर किसी को भोजन, कपड़े और कई चीजों की जरूरत है। हम सभी के घर बर्बाद हो चुके हैं। सपंजंग जालन इतु dari koisi belai utara lah sebelah selatan hancur। दरअसल इंडोनेशिया का ये इलाका उस जगह बसा है जहाँ पृथ्वी की दो प्लेट्स मिलती हैं, और जब इनमें घर्षण उत्पन्न होता है तो भूकंप आते हैं। सालवेसी में इस बार जिस रिक्टर पैमाने पर 7.5 का भूकंप आया तो वैज्ञानिकों को सुनामी का अंदाजा लग गया था, लेकिन सुनामी से लोगों को आगाह करने वाले उपकरण खराब थे। पालू में उस वक्त जश्न का माहौल था। हालांकि यह माहौल भूकंप से बिगड़ा, लेकिन फिर कई लोग किनारे पर ही थे। ऐसे में 6 मीटर से ऊंची लहरें तटों को लांघ कर जमीन के काफी भीतर चली आईं। उनकी चपेट में जो भी आया उनका शिकार बन गया। पालू से एक पर्यटक खौफनाक यादें लेकर जा रहे हैं, और जो बच गए हैं वो या तो मलबे में अपनों को खोज रहे हैं या फिर अंधकार में अपना भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कहते हैं कि खुशी ढूंढने से मिलती है, तो कुछ मजेदार मौके हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी। आजकल मेक्सिको के खूबसूरत बीच लाइस्कोविला में एक खास मेहमान आ रहे हैं। ये मेहमान हैं ओलिव रिडली टर्टल्स। ये इनका सालाना आगमन है। लाइस्कोविला बीच के 15 किलोमीटर एरिया को फिलहाल इन्हीं मेहमानों के लिए सुरक्षित रखा गया है। अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख कछुए यहाँ करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा अंडे देंगे। हालांकि इन अंडों से निकले सारे बच्चे रेत से समुद्र तक का सफर नहीं तय कर पाएंगे। मेक्सिको सरकार ने इन कछुओं को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि समुद्र में फैलते प्रदूषण ने इनकी जाति को ही खतरे में डाल दिया है। चीन के ऑटोनोमस मंगोलिया रीजन में विमानों के करतब का बेहतरीन नजारा देखने को मिला। यहाँ चल रहा है एलेक्सा एविएशन फेस्टिवल। यहाँ विमानों ने एक ताल में उड़ते हुए धुएं से कलाकृतियां बनाई। जैसे जैसे शाम ढलती गई, इन विमानों ने समरसॉल्ट्स करते हुए आतिशबाजी भी की। इस फेस्टिवल को देखने करीब 15 लाख लोग पहुंचे, और इसमें चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली की टीमों ने हिस्सा लिया। मौका था मशहूर फैशन ब्रांड शनेल के फैशन शो का। इस शो के आयोजन के लिए एक बीच का माहौल तैयार किया गया, जहां रेत पर मॉडल्स ने शनेल के लेटेस्ट वीट सूट्स और सन हैट्स को पहनकर कैटवॉक की। इस बार की कलेक्शन में स्ट्राइप्स का खास तौर पर बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिला। इसके साथ ही कई ड्रेसेस समुद्र की खासियत जैसे कोरल और चमकीले रंगों वाले सीक्वेंस स्वर्ल से भी प्रेरित थे। आइए देखते हैं इस हफ्ते हॉलीवुड में किन फिल्मों का दबदबा रहा। पहले नंबर पर रही मार्वल स्टूडियोज की फिल्म वेनम, जिसने करीब $68.5 मिलियन की कमाई की। दूसरे नंबर पर रही लेडी गागा और ब्रैडली कूपर स्टारर अ स्टार इज बॉर्न। एक सामान्य सी दिखने वाली बेमिसाल गायिका की जिंदगी की कहानी बताती इस फिल्म ने $48.5 मिलियन का कारोबार किया। तीसरे नंबर पर रही स्मॉल फुट, जो उन हिम मानवों की कहानी है जिन्हें पहली बार इंसान के बारे में पता लगता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $13.8 मिलियन बटोरे। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें इनका इंतजार रहता है और हम इन्हें शामिल करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।